हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। आप लोगों को पता होगा कि सिर्फ आप लोगों के पास एक दिन बचा हुआ है। यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो क्वेश्चन आपको कल एग्जाम में लड़ेगा, वही क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया है। यहाँ पे आपको जो है फुल्ली वीडियो को देखना है और सभी दोस्तों को भी शेयर करना है। जो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे उसका ऑब्जेक्टिव हम कहते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव जो एक भी गलती नहीं होगा। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन 2 से 3 दिन लगा है इस क्वेश्चन को तैयार करने में, जो भी क्वेश्चन है, जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया। यहाँ पे आपको बता दीजिए, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक दिन बचा हुआ है, फटाफट आपको जो है शेयर करना सभी के पास एक दिन में, यानी एक मिनट में, यानी कि दुनिया बदल जाता है। आपके पास अभी जो है ना कम से कम जो है 17 से 18 घंटा बचा हुआ है ना। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के पास इसे शेयर करना है और आप लोग जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा किसका कितना ऑब्जेक्टिव सही होता है, और यहाँ पे अपना नाम भी कमेंट करें किसका कितना ऑब्जेक्टिव सही जाता है। देखिए शुरू से आपको यहाँ पे आंसर देना है, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन नाम के साथ अपना जो है कमेंट करें ताकि हमें पता लग सके कि आप लोग जो है सही में कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं। यहाँ पे शुरू से आपको वीडियो देखना है। यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 13 जो है अभाज्य संख्या है। यहाँ पे इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसके बाद देखिए द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग होगा। आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं का योग क्या होगा। तो सही आंसर आपको यहां पे देना शून्यकों का योग, आपके पास यहां पे ऑप्शन दिया गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा -3 ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए रैखिक समीकरण में चर जो होता है, घात की संख्या क्या होता है, एक चर, रैखिक समीकरण में कितने घात होते हैं। तो आपको यहां पे 4 ऑप्शन दिया गया है, सही ऑप्शन आप दे सकते हैं यहां पे। तो फटाफट आंसर दीजिए आप और नाम के साथ दीजिए ताकि हमें पता लग सके। यहां पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1, यानी कि जो भी एक चर वाले, तो द्विघात में जो है ना, यानी कि 2 चर होते हैं, एक घात में 1 चर होते हैं, त्रिघात में यानी 3 चर होती है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट सभी के पास आपको शेयर करना है इस वीडियो को, है ना, सभी इसे जो है देख पाए। यहाँ पे देखिए अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं की तो फटाफट लाइक कर दीजिए आप लोग। और सारा चैप्टर आपको करवाया जाएगा, और ऑल सब्जेक्ट का, साइंस का, हिंदी को, संस्कृत सब करवाया जाएगा आपको, यानी कि। इसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या है, समांतर श्रेणी 14, 9, -4, -1 और 6 का 12वां पद क्या होगा। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, सही ऑप्शन आपको देना है यहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, -41। आपके पास यानी कि 10 सेकेंड दिया जाएगा और आपको आंसर देते जाना है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC में AB² + BC² + CA² तो Z C बराबर क्या हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे आंसर देना है, आपके पास 10 सेकेंड मात्र देंगे और आपको आंसर देना है, यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आप आंसर दे सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फटाफट सभी को शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड तक, आपको देखना, आपको आपके पास बहुत ही कम समय है। यहाँ पे देखिए y अक्ष का समीकरण क्या होता है, 10 सेकेंड आपके पास है, फटाक आंसर आप दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट आंसर देते जाइए आप लोग भी, ताकि आपका रिवीजन हो, जिसका रिवीजन होगा उसी का डिवीजन होगा। यहां पे आपको वीडियो को देखते रहना। यहां पे देखिए 9 10² यहां पे दिया गया है और -9 sec² यहां पे दिया गया, तो बराबर का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये सब्जेक्टिव में भी एक बार 2016 में सवाल को पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास यहां पे जो है 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा -9 हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका होगा रिवीजन उसका होगा डिवीजन। यहाँ पे आपको रिवीजन करते जाना, यहाँ पे कल आपको रिवीजन ही जो है ना नंबर दिलाएगा। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आपको बता दे एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनंत। इसके बाद देखिए
यहाँ पे दिया अगर दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, है ना। इसका दो पासे को एक ही बार उछाला जाए इसका प्रायिकता क्या होगी, 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे फटाफट सभी को एक बार शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग यहाँ पे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए कम से कम एग्जाम तक, एग्जाम के लिए आपके लिए ये जो चैनल बहुत ही इम्पैक्ट है। यहाँ पे देखिए कहा गया है 5 + 3√2 है, तो ये कौन संख्या, अपरिमेय संख्या ये है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग भी आंसर देते जाइए यहाँ पे। इसके बाद देखिए क्या कहा, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कौन अभाज्य संख्या है, तो करेक्ट आंसर आप दे सकते हैं यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है इनमें से, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, सही आंसर आप दे सकते हैं, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दे सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 25√25 का वर्गमूल जो है आपका क्या हो जाता है, 5 हो जाएगा, ये जो है यानी कि यहाँ पे क्या क्या गया, अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय इनमें से सी नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, तो आपके पास यहाँ पे जो है यानी कि दशमलव प्रसार शांत बोला गया, तो कौन सा संख्या है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया, सही आंसर आप दे सकते हैं इसका हो जाएगा 11/160 जो है ये जो शांत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, तो दो लगातार संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप दे सकते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे यदि ए तथा बी द्विघात बहुपद x² + x-2 के शून्यक हो, तो यानी कि यहाँ पे दिया गया 11+α × β का मान होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर ए यानी कि ए हो जाएगा 2। इसके बाद देखिए यहाँ पे यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an+b है, तो इसका पदांतर है, इसका पदांतर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका रिवीजन होगा उसी का डिवीजन आएगा, यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए कहा यहाँ पे बिंदु P जो है यानी 6.5 का भुज है, तो भुज है इसका भुज जो है 6 हो जाएगा, आपको भुज पूछेगा तो पहला वाला जो इधर का जो होगा, इधर का ये वाला यहाँ पे भुज देना है ना, तो ये भुज होता है पहला वाला का, है ना, कोटि पूछेगा तो इधर का हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे सही आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बिंदु 2.3 स्थित है, बिंदु 2.3 स्थित कहाँ पे है, तो ये प्रथम पाद में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे का यदि x = a तो y = b समीकरण इसका इतना दिया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, a और b के मान क्रम से निकालना है, तो यहाँ पे 2 समीकरण दिया गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से दीजिए आंसर। यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 3.1 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 21 नंबर में कहा गया है समीकरण x² + 2x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति है, तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अवास्तविक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 22 में 4.-1 और 2.3 के बीच की दूरी क्या होगा, बीच की दूरी क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2√5 हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बिंदुओं 4.10 और 2.2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु 0.2 की दूरी है, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप आंसर में दे सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 इकाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका होगा रिवीजन उसी का होगा डिवीजन, आपको बता देना चाहते हैं। सभी को एक बार शेयर कीजिए ताकि सभी जो है इसे देख पाए और लाभ इसका ले पाए। यहाँ पे आपको बता सारा सब्जेक्ट का, जिस दिन भी जो सब्जेक्ट होगा उस दिन आपको जो उस सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन मिल जाएगा इसी चैनल पे। यदि ए यहाँ पे दोबारा लिखा गया है तो ए बी सी की शीर्षों के निर्देशांक ए इतना, बी में इतना दिया गया, सी में इतना, तो इसका क्या निकालेंगे, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे, त्रिभुज केंद्रक के निर्देश
निर्देशांक क्या हो जाएगा? इसका निर्देशांक हो जाएगा क्या, आप आंसर दे सकते हैं 2.3 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे यदि बिंदु, फटाफट आपको जो है रिविजन करना है, 1.200 इतना दिया गया है, तो संरेख हो तो संरेख हो तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए बराबर 2B, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है, यह कथन थेल्स का है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, थेल्स का है। फटाफट सभी को शेयर कीजिए इसको। यहाँ पे देखिए यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान होगा, सम्मुख कोण का मान एनी टाइम याद रखना 19 डिग्री, सम्मुख कोण का मान 19 डिग्री एनी टाइम आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कोई सा भी पूछ दे आपको। यहाँ देखिए त्रिभुज ABC दिया गया, ABC सर्वांगसम ADF जो तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर, EF 4 सेंटीमीटर, यदि ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर हो तो ADF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना दोबारा लिखा गया था इसके लिए, सॉरी यहाँ पे देखिए एक ए कट देना है, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। फटाफट आप यानी कि रिवीजन से ही आपका डिवीजन बनता है। यहां पे देखिए वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पे आपको बता दें 30 नंबर में देखिए क्या कहा गया है, यदि ABC तथा ADF में होंगे, जब ABDA इतना दिया गया है तो दोनों त्रिभुज के समरूप होंगे, त्रिभुज के समरूप क्या हो जाएंगे, यहां पे आपका आंसर दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ZB बराबर ZE हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC जहां ZC समकोण, तो AB² बराबर क्या हो जाएगा 2AC² हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहां पे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये आपके पास मार्च से 18 से यानी कि 12 से 18 घंटा बचा हुआ है। किसी भ्रम बिंदु P से वृत्त जिसका केंद्र 0 डिग्री यहां पर खींची गई तो स्पर्श रेखाओं यानी रेखाओं PA तथा PB जो है के बीच का कोण जो है 80 डिग्री है तो ZPO का मान क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा A 50 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पे कहा गया त्रिभुज ABC, त्रिभुज यहाँ पे देखिए ये जो है एक कटल है, यहाँ पे डबल ए लिखा गया है, तो त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार हैं कि DE समांतर BC तथा AD जो है यहाँ पे दिया गया AD अनुपात DB के बराबर में, इसके दोनों के बराबर में क्या है, यहाँ पे दोनों के बराबर 3:1 है, तो यदि AE बराबर जो है 6.6 सेंटीमीटर हो तो AC का मान क्या होगा, इसका मान जो है हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी यहाँ पे दिया गया है, कहा दशमा पद इन तीनों संख्या का निकालें, दशमा पद क्या हो जाएगा, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 हो जाएगा इसका दशमा पद। इसके बाद देखिए यहाँ पे यदि समीकरण यहाँ पे दिया गया, यदि समीकरण x²+2kx+4=0 का मूल 2 तो k का मान ज्ञात करें, k का मान क्या हो जाएगा, -2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इसका हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी में इतना जो है ये 3 संख्या दिया गया, 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा, 8वां पद शून्य होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे समीकरण दिया गया, इतना समीकरण दिया गया तो मूल निम्न में कौन है, इसका मूल कौन हो जाएगा, इसका मूल जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी -4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, यदि किसी बहुपद P, यानी कि P cost x x²-2x+ का 5 के शून्यक b हो तो यहाँ पे 0+ यानी b होगा, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, x² और a+b का मान होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए साइन का
साइन यहाँ पे कोस 90 डिग्री माइनस ए यहाँ पे दिया गया, तो बराबर में इसके बराबर में क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोस ए होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोस। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है, कौन सेक ए के बराबर में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोस ए जो है इसके बराबर में, वन बाय कोस जो है सेक ए के बराबर में है। यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं 41 नंबर का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कई बार इस सवाल को पूछा गया है। देखिए यहाँ पे जिसका रिवीजन होगा उसी का डिवीजन होगा। यहाँ पे बताया गया कोसेक 44 डिग्री और सेक 46 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा एक हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे टू कॉस्ट बराबर टू है, यहाँ 60 डिग्री का मान निम्न में से कौन होगा, इसका निम्न में से मान कौन हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आंसर दिया हुआ है, आप आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे 10 डिग्री कोट 0 डिग्री बराबर 7 है, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा, इसका मान ये जो हो जाएगा इसका एक हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे किसी त्रिभुज एबीसी में जहाँ कोण बी समकोण है, तो यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर बीसी 5 सेंटीमीटर तो एसी का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में भी पूछा गया था एक बार, है ना, 2013 में। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है कि यदि 5 साइन ए बराबर 8 कॉस ए तो कॉट ए का मान क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉट 60 डिग्री का मान होगा, कॉट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री का मान, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है तो उसकी जो है छाया की लंबाई होगी मीटर में, छाया की लंबाई होगी मीटर में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी 2√2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2√3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप जो है 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, इसका एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ देता है। यहाँ पे इसका जो हो जाएगा आंसर बी करेक्ट है, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बी नंबर। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 147 यानी कि 147 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे इसका सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है ना 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, तो 4:9 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गलत लिखा गया, 4:9 जो है 9 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले वीडियो में आपको इसी का सेट लेकर के आएंगे, जो कि और बचा हुआ है उसी को बस आपको रिवीजन करके जाना एग्जाम में 100% गारंटी के साथ आपका इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा। और सभी के पास इसे शेयर कर दीजिए ताकि सभी जो है इसे यानी कि देख पाए और जो है एग्जाम में सही से वो जो है पेंट कर पाए, ऑब्जेक्टिव उसका गलती ना हो।